हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द निर्वाल व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। गाइस, आज भीमा के आंखों पे चश्मा देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आज हम एक नया शूट करेंगे कॉमेडी वीडियो का, तो इसलिए भीमा के आंखों पे आज ये चश्मा लगाया है। आप सब कमेंट में बताना भीमा के आंखों पे चश्मा कैसा लग रहा है। भीमा, अच्छे लग रहे हो वैसे इस चश्मे में तुम, अच्छे लग रहे हो। गाइस देखिए, बराबर में से भी दिखा कितना स्टाइलिश चश्मा है ये। इसमें धूल मट्टी आने का तो मतलब ही नहीं है। आज से भीमा इसी चश्मे को लगाएगा हर कॉमेडी वीडियो में, किसी कॉमेडी वीडियो में, सभी में तो लगाएगा नहीं, पर किसी वीडियो में इस चश्मे को इस्तेमाल करेगा। गाइस, आज बनाने लग रहा हूँ मैं शिकंजी। नींबू डाल लिया है इसमें, पानी डाल लिया है और चीनी भी डाल लिया है। इसमें थोड़ा सा मसाला डालेंगे और भीमा को आज एक कच्चा नींबू खिलाते हैं। देखिए रहा, यह भीमा के लिए है, यह रहा हमारा भीमा। इसको जरा एक कच्चा नींबू देते हैं मसाला लगा कर। गाइस देखिए, भीमा ने इसमें जरा सा काला नमक डाल लिया है, इस पर नींबू पर लगाते हैं काला नमक। लगा भीमा। दोस्तों, मैं तो शिकंजी पीऊँगा आज। गाइस जरा अब इसको मिक्स कर लेते हैं, इसमें चीनी है जरा सी। भीमा ले बना वीडियो पकड़ो। तो इसमें नींबू और डालने लग रही है क्योंकि नींबू का स्वाद कम आ रहा था, नींबू में रस कम निकलता है मुझे ऐसा लगता है। रस तो बहुत ज़्यादा है, पर दोस्तों उसमें कम नींबू डाल लेते हैं मैंने, थोड़ा सा इसमें नींबू और डाल देते हैं क्योंकि टेस्ट नहीं आ रहा इतना। अब तो ज़रा और गाज से जरा अच्छी तरह बनाते हैं। दोस्तों, नींबू निचोड़ने लग रहा था और ये टूट गई है बेचारी, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। देखिए दोस्तों, नींबू निचोड़ने लग रहा था और ये मशीन टूट गई है, नींबू निचोड़ने वाली। देखिए कैसा नुकसान हो गया आज हमारा, एक नई मशीन लानी पड़ेगी अब। देखिए बस क्या करें दोस्तों। आज अब जरा हम भी शिकंजी पी लेते हैं, भर लेते हैं गिलास को। दोस्तों, काला नमक बहुत अच्छा होता है, काले नमक के बिना स्वाद नहीं आता शिकंजी में। अब जरा इसमें काला नमक मिला लेते हैं, निकल ही नहीं रहा खा रहे का। भर दिया है इसको अच्छी तरह। देखिए नींबू कितना अच्छा है, बड़ा नींबू है। भीमा को जो पहले वो नींबू खाने की सोच रहे थे वो नहीं खिलाते इसको, ये बड़े वाला नींबू खिलाते हैं। ये कच्चा नींबू भीमा को बहुत अच्छा लगता है, कच्चा नींबू खाना ये खिलाते हैं भीमा को, क्योंकि वो तो छोटा सा था, उसको क्या मज़ा आता खाने में। हमने सोचा कि पूरा का पूरा एक बड़ा का बड़ा नींबू खिला देते हैं भीमा को। जरा काट दे, काट दो, मैंने काट दिया। ये जैसा बम का पिन होता है ऐसा लग रहा है, दबाओ, डिज़ाइन ऐसा ही है इस नींबू का। चलो भीमा काटो, शाबाश भीमा। गाइस मुझे खटास है ऐसे महसूस हो रही है, दंतों में किटकिट होने लगी है। जरा देखते हैं भीमा इसको खा पाता है या नहीं। क्या लगता है भीमा, खा लोगे? खा लूंगा, तो बहुत बढ़िया लगा, बढ़िया लगा है। चलो देखते हैं जरा। दोस्तों, भीमा ही खा सकता है ये चीज़, ऐसी आंवला खा जाता है कच्चा, नींबू खा लेगा, हमारे बस की तो है नहीं ऐसी चीज़ खानी। अच्छा छुल गया जा, छुल गया। अच्छा दो पांव खाता हूँ। मुझे मसाला, मसाला हरा मसाले के बिना चाट, यह मसाला जरूरी, मसाला जरूरी। चल तो ले मसाला भी ले भाई भीमा। दोस्तों मेरी शिकंजी बिल्कुल तैयार है, मैं भीमा के भीमा नींबू खाएगा, मैं शिकंजी पीऊँगा। देखते हैं जरा, चीजें। दोस्तों देखिए भी मैंने काला नमक लगा दिया इसको अच्छी तरह, यहाँ पे भी भर दिया है इधर। अभी अभी इसने फाँक कर लिया है दो, अब जरा ये खाता है।
वाह भीमा वाह, खादा सारा खादा। कितनी स्वाद लगी। बहुत अच्छे दोस्तों, देखिए भीमा पूरा नींबू खा गया है, बिल्कुल खट्टा हो गया होगा मुंह का, खट्टा होगा बिल्कुल। नहीं भीमा भी बहुत, पता नहीं भीमा दोस्तों नींबू पूरा खा गया है, देखिए देखिए। ओहो बहुत अच्छे भीमा, शाबाश, वाह वाह भीमा, वाह 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 वाह, शाबाश। अपनी आँख दिखाओ, आँखों में पानी नहीं आया? नहीं कुछ ही नहीं दोस्तों, बहुत अच्छे दोस्तों, बहुत अच्छे। गाइस आज कबूतरों का दाना जो हम लाए थे उसे साफ करते हैं, क्योंकि वो कई दिन हो लिए इनका पुराना दाना ख़त्म होने वाला है, इसलिए अपने नया दाना धो धा कर इनका रख देते हैं, धूप में सुखा देते हैं ताकि हम इसको कल से इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि दोस्तों कबूतरों का दाना धोने से इनके अंदर बीमारी नहीं आती है, अगर हम दुकान पर से दाना वैसे ही रख कर इन्हें डाल देंगे तो उससे कबूतर बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उसमें धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। आज इसको अच्छी तरह साफ करके दिखाते हैं आप लोगों को, आओ बीमा। दोस्तों देखिए इस चप में मक्की है, ज्वार है और इसमें चने के दाने हैं रे, और सरसों भी है थोड़ी सी, और ये बाजरा है। सरसों थोड़ी बहुत कम है दोस्तों, सरसों अभी आई नहीं है, कुछ दिनों में और आएगी सरसों अभी, फिर हम उसको दोबारा इसमें मिला देंगे, मिक्स कर देंगे। अभी तो ये बाजरे का खट्टा है, इसको धो देते हैं इसमें डालकर। ऐसे होता है दोस्तों साफ, चलता है। अभी मैं इसको लेकर ये बाल्टी यहाँ पे टंकी, दोनों टंकी को खोल देते हैं, इसमें तो पानी नहीं आ रहा, ताज़े पानी की टंकी तो यही है मतलब। कोई बात नहीं, इससे काम चल जाएगा। पानी से भर गया है, बिल्कुल बंद कर देते हैं एक बार टंकी को। देखिए अभी इन्हें मिक्स कर देते हैं एक साथ सारे दानों को। क्योंकि जो भी इसमें गंदगी होगी सब निकल जाएगी। और ये हमारा एक कबूतर है, ये पीछे पीछे आ जाता है, देखिए आ गया साथ में, आ जा। ये देखता रहता है कि जब हम यहाँ पर पानी भरते हैं, ये जब भी आता है कि ये पानी भर रहे हैं क्या कर रहे हैं, और अब दाना सुखाने लग रहे हैं तो अब भी आ गया दाना साफ कर देते हैं हमें देखने के लिए। आ देखिए हमें देख रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, मिक्स कर दिया है मैंने अच्छी तरह। देखिए कितनी गंदगी तो कर था घर, देखे यहाँ तक आ गया था। अब इसको इसमें रख कर पानी नहीं छोड़ देंगे सारा, देखे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया है। क्या चरा सामने रहा यहाँ जा मार दे फिर फिर। देखिए गाइस कितना साफ हो गया है दाने, नीचे पानी कैसे रंग का हो गया है।
दोस्तों हमेशा कबूतरों को दाना रखे तो पानी में धोकर साफ कर कर ही रखना चाहिए। गाइस अब चादर बिछा दी है देखिए छत पर, अब इसे दाने को फैला देते हैं जिससे अच्छी तरह सूख जाए, साफ हो जाए। दो साफ तो खैर ही होएगा, मतलब धूप लग कर ही सूख जाए क्योंकि गीला दाना तो हम इन्हें खिला नहीं सकते। कितने दिन लग जाएगा भीमा से सूखने में? दो दिन में सूख जाएगा। दो दिन में दोस्तों, आज पूरा दिन और कल को, कल सूख जाएगा ये, मतलब शाम तक अगर धूप निकली रही तो। बारिश का मौसम हो तो कुछ कह नहीं सकते। देखिए ऐसे फैलाया जाता है ऐसे। गाइस अभी मैं बाजार गया था, बाजार से लेकर आया हूँ बेलपुरी और इसके साथ एक सॉस का पैकेट भी था, उसमें मिर्च थी, बहुत मिर्च अच्छा है वैसे खाने में, टेस्टी। देखिए देखने में कितनी सुंदर लग रही है, बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। गाइस जरा लेक्सी को भी नहला देता हूँ, बस पानी पानी मारूंगा। देखिए अब इसे कैसे करने लगी है पानी से डायरेक्शन, पर इसको यह नहीं पता कि ये कितना भी डर ले नहाएगी तो जरूर। क्या है सिट, कहाँ जा डर के? गाइस मुझे इसकी ये बात अच्छी नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा डरती है पानी से। देखिए बाहर आराम से नहा रही थी जब मतलब परसों तरसों नहाई थी, और आज देखिए आज कैसे करता मुझे करिए। लक्ष्य दोस्तों पानी भी इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है कि पानी ठंडा लग रहा हो इसे, पर ये फिर भी ऐसे ही करती है। देखो पानी को काटने लग रही है, देखे इसके ऊपर पानी डाला था, पता नहीं इसको भी हल्की हल्की सी एक टिक मिली है, चींचड़ी होती है, एक चींचड़ी मिली है इसके ऊपर। अब एक बार जाकर पहले दवाई ले आता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं अगर बाद में इनको ज़्यादा हो गई, इसलिए मोलीपियो के ऊपर भी, फ्लैक्सी के ऊपर भी और इस पिल्ले के ऊपर भी, सारों के ऊपर हल्की हल्की सी दवाई लगा दूंगा। अब चलते हैं एक बार सोनू डॉक्टर के पास। गाइस अभी आए थे हम अपने भाई के पास, चिराग भाई के पास, लैक्सी इनके लिए दवाई दी है इन्होंने चींचड़ियों की, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। चिराग भाई अपने घर पर इसे इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है भाई इसका, यूज़ करो डेली, आप 3-4 दिन तक यूज़ करो तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। दोबारा कभी चींचड़ी नहीं हो सकते कुत्ते को, अगर अच्छी साफ सफाई रखोगे तो आगे कभी चींचड़ी भी नहीं होने की। हाँ टिक फ्री है इसका, इसका एक का, इसका एक कंपनी का। और ये हमारे भाई है, ये भी हमारे पुराने मित्र हैं, बहुत अच्छे, दुकान पर जाता था कि ये दोनों मिलते हैं। सोनू डॉक्टर तो आजकल पता नहीं कहाँ फरार है, वे बाहर रहते हैं, ट्रीटमेंट काफी ज्यादा हो रहा है आजकल तो। उनके पास ज्यादा काम हो रहा है, बिजी हो रहे हैं वे ज्यादा ही, क्यों भाई? तो दोस्तों दुकान पे दोनों भाई मिलेंगे, नीचे ले सामान जो भी लेना है। धन्यवाद गाइस, अभी हम आ गए अपने वाली रोड पर, देखे अभी खेत कैसे हो गए हैं, ये पानी जा रहा है इसमें। देखे गाइस इसमें और भी बुरी है खेत में, ये कन्ने का जा रहे हैं भाई, और ये मक्की देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो गई है दोस्तों हमारी, देखते देखते ये कितनी ज़्यादा बड़ी बड़ी हो गई है ये। गाइस अब जरा लैक्सी को लगाते हैं दवाई, ये ऐसे ही कहा था इसका जो एनवलप था, मतलब एनालॉग था इसके साथ, उस पर भी ऐसे ही था कि थोड़ी थोड़ी कमर पे छिड़कनी है। लेक्सी क्योंकि चींचड़ी दोस्तों इन पैरों से में होती है।
गाइस इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो का एंड, मिलते हैं आप लोगों से कल। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पर कमेंट करें। थैंक यू।